हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम ये वीडियो के अंदर जानेंगे कि नेचुरल गैस जो है वो कहाँ तक जा सकता है, क्या अपनी ये जो रैली उसने नीचे से स्टार्ट की है क्या ये कंटिन्यू रहेगी, कि ये यहाँ से गिर सकता है, कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होंगे, वो पूरा जो डिस्कशन है वो हम यहाँ पर चार्ट के ऊपर पहले देख लेंगे, फिर हम जैसे वीकली बेसिस के ऊपर लेवल डिस्कस करते थे वैसे लेवल के ऊपर भी हम जान लेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो है वो एक वीकली टाइम फ्रेम लगाया है, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि ये नीचे से हुआ गया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से उसने एक नई फ्रेश रैली जो है वो स्टार्ट की है। लगभग बहुत सारे जो है वो 2 साल 1 साल के बाद उसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो ब्रेकआउट दिया है दोस्तों, अब उसके क्या सपोर्ट रहेंगे और क्या उसके टारगेट रहेंगे वो सारा जो है वो हम पहले चार्ट के ऊपर जाके देख लेते हैं। ओके चलो, तो पहला जो हमारा यहाँ पर अगर वीकली बेसिस के ऊपर देखें तो ये वाला जो है वो हमें एक रेजिस्टेंस मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आप प्राइस नोट डाउन कर लेना, 230 का जो प्राइस है वो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये प्राइस आपको खास दोस्तों ध्यान रखना है, 230 का लेवल। अगर आपको याद हो, आपने जो हमारा लास्ट वीडियो था दोस्तों, उसके अंदर हमने डिटेल में बात की थी कि ये जो है वो एक बार अच्छा ऊपर जा सकता है अगर ये 210 का जो लेवल है वो काटता है तो। और याद करो दोस्तों, वो लेवल वो वीडियो के अंदर हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि अगर आप इसको जो है वो बाय ना करना हो तो आपकी मर्जी, लेकिन जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये ऊपर जा सकता है, ऊपर की उसकी संभावना है, शॉर्ट मत कर देना। मेन बात ये है, अगर 210 का जो लेवल है वो सस्टेन करता है तो। अभी भी वही चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जो लोगों को अभी ये हो रहा होगा कि अभी तो ये तो 150 रुपये था, 150 का जो है वो मतलब इसका प्राइस था, और अभी अचानक से कैसे ये 220 आ गया। हमें जो है वो थोड़ा सा एक ईगो लगता है हमारे मन के अंदर कि अभी ये तो नीचे चल रहा था, ये कैसे ऊपर आ गया, इसको तो ऊपर नहीं आना चाहिए, लगाओ ठोको उसको शॉर्ट मारो। हमारे मन से ये आपको शायद ये फीलिंग आ रही होगी। अगर आपको दोस्तों ये फीलिंग आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं सच बता रहा हूँ, तो वीडियो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलना। ओके चलिए, तो एक बात आपको मैं बता देता हूँ, 230 का जो लेवल है बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर 230 का लेवल जो है वो सस्टेन नहीं कर पाता है, वहाँ से अगर ये पलटने की कोशिश करता है, वहाँ से अगर ये रिवर्स करता है, तो एक संभावना है कि इसके अंदर एक करेक्शन होगा। ओके खास बात याद रख लेना, 230.50 यहाँ पर आप देख सकते हो, मोटा मोटी मान लेना 231 का लेवल जो है उसके ऊपर जाके उसका क्लोजिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये क्लोजिंग हो जाता है, उसके ऊपर निकलते हैं, तो हमारा एक आगे का रेजिस्टेंस बनेगा दोस्तों 250 का लेवल। ठीक है, ये लेवल भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया ही था। फिर यहाँ से वो सीधा जो है वो 250 के लिए रेडी हो जाएगा अगर 230 का लेवल सस्टेन करता है तो। और अगर 250 का जो लेवल है वो भी अगर इसने सस्टेन कर लिया तो फिर लास्ट में आपको 264 के आसपास का लेवल जो है वो नेचुरल गैस दिखा सकता है। तो ये हमने बात कर ली उसके रेजिस्टेंस के बारे में, मतलब एक टाइम के आप समझ सकते हैं कि उसके टारगेट के बारे में, कि मतलब कि अगर 230 का जो लेवल है, 230 का जो टारगेट है वो अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो फिर 250 के लिए लेटर और सुनर धीरे धीरे करके जो है वो ऊपर जा सकता है, सीधा सीधा नहीं जाएगा। वो बात भी याद रखना आप कि ऊपर नीचे उठा पटक, लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने डिस्कशन किया था उस वीक के अंदर भी हमने बात की थी कि नेचुरल गैस के अंदर भारी उठा पटक रहने की संभावना है, तो थोड़ा संभल के काम करना। जब हम लास्ट वीडियो के अंदर मिले थे तब हमने ये बात की थी। और अब आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ दोस्तों कि नेक्स्ट वीक के अंदर एक्सपायरी होने वाली है। तो मेरा पर्सनल मानना ये है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है दोस्तों कि जब भी एक्सपायरी वाला वीक हो, उससे 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद
हो सके तो ट्रेड ना करें, उसमें हमारा फायदा है, क्योंकि बड़ी जो पोजीशन होती है वो स्क्वायर अप होती है, उनकी पोजीशन बाय या सेल जो भी साइड में होती है, तो आपको बहुत ही बड़ जो है वो एकदम ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। जैसे कि फ्राइडे को थी, ठीक है, फ्राइडे के दिन यही हुआ कि 219 के आसपास ओपन होके वो नीचे भी मारा उसने 215 के आसपास, फिर वापस भी उसको जो है वो 222 तक लेके गए। मतलब ये जो है वो हर एक का जो है वो स्टॉप लॉस खाएगा ये टाइम के ऊपर। तो जब भी ये आपको याद रखना है, ये चीज़ जो है वो मैंने पहले भी शेयर की थी कि 2-3 दिन पहले 2-3 दिन बाद अगर हो सके तो आपको थोड़ा संभल के काम करना है, किसी भी एक्सपायरी के टाइम पे। खाली एनजी की बात नहीं कर रहा, गोल्ड कॉपर सिल्वर इक्विटी फ्यूचर जो भी आप काम करते हो सबके अंदर अगर एक्सपायरी का टाइम है तो उस टाइम पे दोस्तों हमें ध्यान रखना होता है। चलो तो ये हमने जो है वो बात कर ली पहले तो ये हमारे रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि रेजिस्टेंस 1 आवर 1 डे के अंदर तो आपको मिलेंगे नहीं। मैंने बताया वैसे कि यहाँ पर जो है वो एक साल का उसने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से ये नीचे निकाल के गया है वो। तो अब जो है वो हम 1 आवर के चार्ट के ऊपर चलते हैं दोस्तों, और 1 आवर के चार्ट के ऊपर उसके सपोर्ट फाइंड करते हैं, क्योंकि जनरली हमें 4 से 5 दिन का अगर कोई पोजिशनल ट्रेड करना हो तो बेस्ट टाइम फ्रेम माना जाता है 1 आवर का। ये चीज़ जो है वो हमारे ऑनलाइन कोर्स के अंदर भी मैं सिखाता हूँ, जो हमारा कोर्स रनिंग है, बहुत सारे दोस्तों को उससे फ़ायदा भी होता है और बहुत सारे दोस्त जो है उससे पैसा कमाते भी और मुझे जो है वो भेजते भी किए, सर आपने बहुत ही बढ़िया जो है वो कोर्स डिज़ाइन किया, उससे बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमें प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो मेन आपको ये चीज़ जो है वो सीखनी है दोस्तों, सीखोगे तो पैसा मिलेगा, सीधी बात है। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम बेस्ट माना जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर वीकली इसके लिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप कि कोई भी एक रेजिस्टेंस हमें मिलेगा नहीं, कोई हमारा टारगेट जो है वो हिट होगा नहीं। इसके लिए वीकली बेसिस के ऊपर आके हम पहले उसके जो है वो टारगेट डिस्कस कर लिए, अब चलते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट के ऊपर और वहाँ पर उसके सपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो दोस्तों 1 आवर का चार्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तो 1 आवर के चार्ट के अंदर हम सपोर्ट देखते हैं। तो पहला जो सपोर्ट है वो ये वाला मुझे दिख रहा है, ओके, कौन सा, 214, ठीक है, 214.80, 214 मान सकते हो। अगर ये लेवल काटता है एनजी नीचे की तरफ तो फिर नीचे का जो एक सपोर्ट है वो देखते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमने ये सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी उसको एक रेजिस्टेंस था, मतलब पिछले वाला रेजिस्टेंस ये टाइम का सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा था और उसने जो है वो एक ब्रेकआउट दिया। ये येलो कलर की लाइन दोस्तों ये वीक का ओपनिंग पॉइंट है, मतलब लास्ट वीक जो है वो यहाँ से ओपन होके उसने एक बहुत बढ़िया रैली दी है, उसके लिए मैंने येलो लाइन जो है वो सेशन ब्रेक के थ्रू जो है वो यूज़ किया है। चलिए तो अब आगे थोड़ा उसका जो सपोर्ट है दूसरा वो देख लेते हैं कि कौन सा सपोर्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लग रहा है दोस्तों चार्ट के ऊपर वो मुझे ये वाला एरिया लग रहा है, लगभग लगभग मान के चलो ये लाइन, ठीक है, 208 के आसपास, 28.30 है, 208 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट क्यों मैंने बताया वो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर उसने एक गैप अप ओपन किया था, ठीक है, और गैप अप ओपन करने के बाद यहाँ उसका जो लो लगाया है वो ये एरिया के ऊपर है। मतलब अगर ये लो जो है वो काट देता है और उसके नीचे जाएगा तो फिर चांस है कि ये गैप फिल करने जा सकता है, ठीक है, कहाँ तक गैप फिल करने जा सकता है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये जो है फिर आप मान के चलो ये फिर लेवल जो है वो चार्ट के ऊपर 204 का मिल रहा है, ठीक है, 204.80 का लेवल, मतलब ये 208 का लेवल कटेगा तो यहाँ तक जो है वो गैप फिल करने जा सकता है, नीचे जा सकता है। फिर लास्ट में आपको ये लेवल जो है वो ध्यान में रखना है, 195 और 192 का, और मैंने बताया था वैसे कि अगर ये एक बार 210 का लेवल काटता है, मतलब यहाँ पर अब दोस्तों है क्या 207, 208, 210, 215 बहुत ही सारे सपोर्ट है उसके, तो उसमें होगा क्या कि एक बार ये नीचे जाना चाहेगा और 215 काटेगा, 212, 210 के आसपास आके घूम जाएगा, मतलब सपोर्ट है,
वो इंडिया के ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा उठक पटक होने वाली है नेचुरल गैस के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर। थोड़ा सा संभाल के काम करना दोस्तों, एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के एक दो दिन पहले एक दो दिन बाद हो सके तो अवॉइड करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और एक चीज़ मेरी तरफ से जो मुझे लग रहा है, मेरा पर्सनल मानना ये है, अगर ये 230 का लेवल जो है वो ऊपर की तरफ काट के क्लोजिंग कर देता है तो फिर इसके अंदर हमें कोई शॉर्ट की गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी को मन करे कि भाई हमें शॉर्ट करना है तो लास्ट ये आपका होप है 230-231 का लेवल, उसके ऊपर निकलता है, ऊपर जाके सस्टेन करता है, क्लोजिंग कर देता है, तो फिर कोई शॉर्ट का दोस्तों मुझे लग नहीं रहा कि करना चाहिए। फिर आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, आपका अपना चार्ट रीडिंग भी हो सकता है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मेरा जो चार्ट रीडिंग है दोस्तों लास्ट वीक के अंदर भी मैंने बताया था, ओनली हम जो है वो कैंडल के ऊपर बात करते हैं। एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ट्रेंड लाइन होती है, फाइंड कैसे करते हैं ट्रेंड को वो भी होता है, फिबोनाची भी होती है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो डीपली नॉलेज है, मतलब उसके लिए आपको टाइम जो है वो लगेगा। तो ये ओनली आप कैंडल से हम जो है वो फाइंड कर रहे हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, और जो हमारा कोर्स है उसके अंदर भी हमने जो है वो ओनली कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो सिखाया है दोस्तों। तो आप ये सोचो कि लास्ट वीक के अंदर जब मैं आया था उस टाइम पे भी हमने बात की थी कि ये 230 के आसपास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो जाके देखिए दोस्तों कि ये वीक का हाई कितना है, लगभग 225.50-70 के आसपास इसने हाई लगाया था। सोचो, मतलब मैंने ये भी बताया था आपको लास्ट वीक के अंदर कि जब भी एक रेजिस्टेंस आएगा उससे पहले ही वो घूम जाएगा, एग्जैक्ट वो रेजिस्टेंस के पास नहीं जाएगा, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी। तो ये चीज़ ओनली आप कैंडल स्टिक पैटर्न अगर दोस्तों सीखते हो तो भी आप आराम से डेली के 2-4-5 पॉइंट कमा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। एनजी के अंदर मूवमेंट होती है तो आप अगर पैटर्न सीखोगे तो फ़ायदा तो ज़रूर होगा, ओके। चलिए तो दोस्तों ये हमने बात कर ली हमारे चार्ट के बारे में, अब हम देख लेते हैं उसके हमारे जो वीकली लेवल है पर्टिकुलर एग्जिट लेवल, वो लेवल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला जो सपोर्ट है वो सपोर्ट बनेगा नेचुरल गैस के लिए नेक्स्ट वीक के अंदर, अभी जैसे हमने चार्ट के ऊपर भी देख लिया था 214 का लेवल, ठीक है। 214 का जो लेवल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक करता है दोस्तों तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वैसे तो अलर्ट तो हमें रहना ही है क्योंकि हमने बात कर ली कि एक तो एक्सपायरी है और साथ में दूसरा ये है कि 230-231 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी है, दोनों ही चीज़ें हैं, तो भारी उठापटा हो सकती है, तो थोड़ा संभल के काम करना। 214 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, वो अगर टूटता है ब्रेक करता है ये तो फिर ये 207 के आसपास जा सकता है, ठीक है। 260 के आसपास जो है वो हम जा सकते हैं, ये लेवल जो बनेगा वो हमारा फाइनल बनेगा नेक्स्ट वीक के लिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 207। अगर इसने 207 का लेवल दोस्तों ब्रेक कर दिया, मैंने बताया वैसे कि बहुत सारे उसके सपोर्ट है, 205 के ऊपर भी एक सपोर्ट है, 202 के ऊपर भी एक सपोर्ट है, 203.50 के ऊपर भी एक सपोर्ट है, मतलब 210 से लेके 230 का जो एरिया है वो उसका बहुत ही बढ़िया सपोर्ट एरिया है। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये 200 का लेवल ब्रेक करता है, मेन एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक इम्पोर्टेंट भी है वहाँ पर, अगर 200 का लेवल ब्रेक करता है दोस्तों तो फिर ये एक बार 196, 190 और 180 तक आराम से जा सकता है। तो ये बात आप थोड़ा सा याद रखना, एनी टाइम किसी भी दिन कोई भी समय कोई भी मंथ कोई भी दिन कोई भी वीक अगर ये लेवल जो है वो आता है 200 का लेवल काटता है नीचे की तरफ तो थोड़ा संभलना ज़रूरी है। 260 के नीचे दोस्तों हम जो है वो लगभग 202 और 190 जो अभी मैंने आपको बड़ा बड़ा करके जो है वो एक बता दिया, लेकिन जो है वो ये लेवल फिर ये रुकेगा नहीं क्योंकि जैसे ही जितनी स्पीड से ऊपर आया है उससे डबल स्पीड से ये नीचे चला जाएगा। तो आपको 200 के लेवल के ऊपर खास फोकस करना है और जो हमने डिस्कशन किया है उसको आपको थोड़ा याद रखना है क्या क्या हमने बात की वो बेसिस के ऊपर, ओके। साथ में दोस्तों आपको बता देता हूँ कि हमारा ग्रुप है जहाँ पर जो है वो हम लाइव मार्केट के अंदर नेचुरल गैस के अंदर लाइव जो है वो डिस्कशन करते हैं,
तो अगर आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना हो तो नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो, एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करनी है। बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं जो मुझे बताते हैं कमेंट के अंदर भी कि सर व्हाट्सएप का ग्रुप बनाइए या टेलीग्राम बनाइए, तो दोस्तों उन सब लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि हमारी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन है, अपनी एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और फिर आप वहाँ पर मुझे जो है वो चैट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं चैट के थ्रू, और वहाँ पर आपको जो है वो लाइव कॉल जो है वो भी मिलेंगे। नॉमिनल उसके चार्जेस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है हमारी ग्रुप ज्वाइन करने की, तो आप ग्रुप ज्वाइन करके जो है वो ये सीख सकते हैं, लाइव कॉल जो है वो देख सकते हैं। ओके, तो ये हमने बात कर ली दोस्तों सपोर्ट के बारे में, अब देख लेते हैं कि उसके टारगेट क्या होंगे। तो नंबर वन जो टारगेट है दोस्तों नेक्स्ट वीक के अंदर नेचुरल गैस के लिए वो है 226 का लेवल। 226 का जो लेवल बनेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेगा, जब तक इसके लेवल के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता तब तक एक जो है वो पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि ये नीचे आ सकता है ये लेवल के ऊपर। अगर ये लेवल जो है वो सस्टेन कर लेता है ऊपर की तरफ, अच्छे से बढ़िया क्लोजिंग हो जाता है ये लेवल के ऊपर, तो फिर हम जो है वो एक बार 231 के लेवल के आसपास जा सकते हैं, और ये जो लेवल बनेगा हमारा फाइनल लेवल बनेगा दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए 231 का लेवल। और हमने जो है वो चार्ट के ऊपर भी बात की, पूरा जो है वो एनालिसिस किया कि 230.50 231 का एरिया जो है वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस दोस्तों सस्टेन करता है, इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, तो फिर हमें कोई शॉर्ट नहीं करना चाहिए, गलती से भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। गलती से भी ये गलती मत कर देना कि 231 230 के ऊपर जाए और शॉर्ट कर ले, बाय ना करो, आपकी मर्जी, आपका अपना ओपिनियन है कि भाई इतना क्यों ऊपर जा रहा है। अगर समझ में ना आ रहा हो आपको तो छोड़ देना है दोस्तों, अवॉइड करो ऐसी चीज़ों को, लेकिन शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि 231 के ऊपर जाने के बाद उसके ऊपर के दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन कन्फर्मेशन कब मिलेगा, जब एक दो तीन दिन क्लोजिंग करेगा तब। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि स्टॉप लॉस खाने के लिए, स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट जो है वो एक बहुत बड़ा जो रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर जो है वो धमाकेदार जाता है ऊपर, मतलब 230 231 का जो लेवल है वहाँ पर धमाकेदार वो नीचे से ऊपर भागेगा, 231 32 33 के आसपास जा सकता है। तो उसमें होगा क्या, सभी लोग जो है वो अपना जो स्टॉप लॉस लगाया होगा, अगर सेल किया है तो उन्होंने, तो सेल वालों का स्टॉप लॉस ले लेगा पहली बात तो। दूसरी बात, सब लोगों को लगेगा कि भाई ये तो रुक ही नहीं रहा है, ये तो भागा ही जा रहा है, तो सब लोग क्या करेंगे, बाय करने लगेंगे, तो जब बाय करेंगे तब वो नीचे आएगा, जब लोगों ने सेल किया होगा तो स्टॉप लॉस लेगा। मतलब बाय करो सेल करो कुछ भी करो, ऐसे लेवल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस जाना जो है वो पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है ऐसे केसेस के अंदर, और ख़ास करके एक्सपायरी वाला विग भी है, ठीक है, तो मार्केट को तो मौका मिल जाएगा ऐसी चीज़ों के ऊपर, तो ऐसे मौके जो है वो मार्केट कभी छोड़ता नहीं है दोस्तों, कि जिसके अंदर जो है वो हमें फंसा सके, ऐसे मौके मार्केट छोड़ता नहीं है। तो ये जो है वो अगर आपको बचना है ऐसे मौक़ों से, या तो जो मैं ये लेवल फाइंड कर रहा हूँ जो चार्ट के ऊपर मैंने कैंडल स्टिक बताए आपको, बहुत सारे हमारे जो ऐसे वीडियो है कैंडल स्टिक के, वो अगर आपको सीखना है दोस्तों तो ये पूरा कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया है, वो कोर्स आप जाइए, यहाँ पर लिंक मिल जाएगी कोर्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो लिंक आप ओपन करोगे, आप जो है वो सीधा कोर्स के ऊपर खुलोगे, और वहाँ पर जो है वो आप जाके पूरा कोर्स कीजिए, क्योंकि उस वो कोर्स के करने के बाद आप आराम से 4-5 पॉइंट जो है वो डेली का एनजी के अंदर कमा सकते हो, 4-5 पॉइंट दोस्तों बता रहा हूँ। और एक सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ वो सुनना आप, अब आपको जो है वो शायद ट्रस्ट हो ना हो कि कैसा कोर्स है, क्या है क्या नहीं, तो 3 वीडियो फ्री है, उसमें से 2 वीडियो जो है दोस्तों, 2 वीडियो बिल्कुल फ्री यूट्यूब के ऊपर मैंने डाल दिए हैं, वो दोनों ही वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड किया है, एक है मारू बोजू के अंदर और एक है हैमर एंड हैंगिंग में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले ये कीजिए कि वो वीडियो देखिए, उसको समझिए क्या नॉलेज दिया है वो,
वो समझने के बाद आप वही दो वीडियो का यूज कीजिए ट्रेडिंग के अंदर, और फिर आप उससे प्रॉफिट कमाएं। आपको लगे कि ये जो है वो बहुत ही बढ़िया जो है वो प्रॉफिट हमें दे रहा है, इससे हमें बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैंने जो वीडियो जो नॉलेज दिया है उससे ही आप प्रॉफिट कमाए, और वही प्रॉफिट से आप जो है वो कोर्स जो है वो बाय कीजिए। मैं ये बता रहा हूँ, इसके लिए आपको दो वीडियो फ्री है। उतना जो है वो मेरा पूरा नॉलेज है दोस्तों, वो कोर्स के अंदर आपको कैंडल स्टिक के फॉर्म के अंदर जो है वो मिलेगा। ऐसा बेहतरीन कोर्स है, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता है कि सर बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाई है, अच्छा है, हमें प्रॉफिट होता है। तो आप भी जाइए, दो वीडियो देखिए, उसको यूज़ कीजिए, प्रॉफिट कमाए। अब ऐसे 15 वीडियो है दोस्तों, मैं तो खाली दो वीडियो आपको बता रहा हूँ। अगर दो वीडियो भी सीख लोगे तो भी आपको आराम से हफ्ते के जो है वो 20-25 हज़ार तो कमा लोगे, अगर सही से काम करोगे तो 7 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर। तो 15 वीडियो है दोस्तों, ये तो दो वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे 15 वीडियो है। 15 वीडियो के अंदर अगर आप पूरा कोर्स करोगे तो आप जो है वो महीने के बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप समझ नहीं सकते हो, ये लाइन आप पढ़ लेना खाली, रेडी फॉर मनी रेट, ये हो सकता है, ठीक है, ये संभव है, और बहुत सारे लोगों ने संभव किया भी है उसको। चलिए कोई बात नहीं, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। और लाइव कॉल चाहिए नेचुरल गैस के अंदर तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा और कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा, दोनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। चलिए तो 231 के लेवल के ऊपर आपको खास फोकस करना है दोस्तों, बिल्कुल भी अगर ऊपर की तरफ काटता है नीचे की तरफ तो हो सके तो, मेरा तो मानना यही कि ये टाइम के ऊपर अवॉइड करना, क्योंकि अगर ज़्यादा हाथ पैर चलाने जाओगे तो मार्केट जो है वो फंसा देगा आपको। मैंने बताया वैसे बाय सेल कुछ भी करोगे ये आपको लटका के मानेगा। अब लास्ट वीक के अंदर जब हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था 210 के लेवल के ऊपर बताया था कि भाई ये 220 225 230 आ सकता है, तो अगर वहाँ पर भी किसी ने दोस्तों बाय कर लिया हो, सोचो आप ये चीज़ सोचो, मुझे कहाँ पता था 1 साल 1.5 साल के बाद ये लेवल आ रहे हैं नेचुरल गैस के अंदर, आप सब लोग जानते ही होंगे, 1 साल के बाद ये 200 के लेवल के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है इतने टाइम से, तो मुझे कहा मार्केट ने कान में आके थोड़ी कहा था कि ये अब मैं 200 के ऊपर रहने वाला हूँ, 230 के आसपास जो है वो वापस आऊँगा, मुझे कौन बता रहा है, मुझे पता कैसे चल रहा है। ये कोर्स के अंदर ये जो नॉलेज है दोस्तों, ये उसी का नॉलेज है कि ये यहाँ से ये होगा, वहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये पलटेगा नहीं होगा, वो सारी बातें जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स जो है वो बता सकता है। ये कोर्स के अंदर दोस्तों उतनी ताकत है। चलिए तो 231 के लेवल के ऊपर, और मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा मानना यह है कि अवॉइड ट्रेडिंग नेक्स्ट वीक, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी है, मेन चीज़ एक्सपायरी है, और दूसरा ये सोने में सुहागा ये है कि 230 का एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है और वहाँ पर ही हम खड़े हैं उसके आसपास, तो कुछ भी हो सकता है, तो अवॉइड करना चाहिए 2-3 दिन, ठीक है दोस्तों, क्योंकि लॉस करने से अच्छा है कि वेट करें, ठीक है, लॉस करने से अच्छा है कि अगर हम वेट कर ले तो अच्छी बात होगी हमारे लिए। तो 231 जो है वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर ये सस्टेन करता है तो 238 से लेके 245 के जो लेवल है वो हम देख सकते हैं, लेकिन खास याद रखना 230-231 के ऊपर क्लोजिंग होना ज़रूरी है। तो जो भी हमारे दोस्त हैं जो पोजिशनल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये मैंने लेवल बता दिए इंट्राडे के अंदर। अगर आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हो अगर, तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप जो है वो कमा सकते हो आराम से इसके अंदर। लेवल मैंने आपको बता दिए नेचुरल गैस के नेक्स्ट वीक के अंदर क्या हो सकते हैं, MCX के अंदर पूरा हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं उसकी डॉलर टर्म प्राइस के अंदर, क्या उसके सपोर्ट और क्या उसके टारगेट रहेंगे उसके बारे में। सो नंबर वन सपोर्ट फॉर नेचुरल गैस इन डॉलर टर्म प्राइस इज 2.900 लेवल, ओके, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट सपोर्ट फॉर नेचुरल गैस फॉर नेक्स्ट वीक। फ्रेंड्स इफ दिस लेवल कैन ब्रेक देन वी हैव टू अलर्ट, बिकॉज बिलो दिस लेवल मोर शार्प करेक्शन पॉसिबल अराउंड 2.800, ओके, 2.800 लेवल कैन बी सीन इफ दिस लेवल कैन ब्रेक बाय नेचुरल गैस विच इज़ अवर फाइनल सपोर्ट फॉर नेचुरल गैस फॉर नेक्स्ट वीक। एंड एज यू नो when our final support break and sustain below, then we can see free fall condition in any commodity,
ओके फॉर एनी करेंसी फॉर इक्विटी. सो आफ्टर ब्रेकिंग 2.800 अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन देर इज अ फ्री फॉल कंडीशन पॉसिबल अराउंड 2.630 लेवल. अराउंड 2.630 लेवल टू 2.350 लेवल. ओके सो फ्रेंड्स इट्स अ सपोर्ट साइड फॉर नेचुरल गैस फॉर नेक्स्ट ईयर. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द टारगेट साइड. सो नंबर वन टारगेट फॉर नेचुरल गैस इज अ 3.100. ओके 3.100 इज अ नंबर वन टारगेट फॉर क्लोजिंग बेसिस. इफ नेचुरल गैस सस्टेन दिस लेवल क्लोज्ड अबाउट दिस प्राइस देन वी कैन सी 3.210 लेवल विच इज अवर फाइनल टारगेट फॉर नेचुरल गैस फॉर नेक्स्ट वीक. आफ्टर सस्टेनिंग दिस लेवल वी कैन सी रॉकेट रैली. फ्रेंड्स रॉकेट रैली वी कैन सी अराउंड 3.360 to 3.540 लेवल. ओके सो इट्स अ सपोर्ट एंड टारगेट इन डॉलर टर्म प्राइस एज वेल एज MCX प्राइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.